मध्य प्रदेश के मंदसौर में लहसुन और प्याज के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि मंडी में लहसुन प्याज के दाम काफी गिर गए हैं। स्थानीय कृषि उपज मंडी में किसान अपनी प्याज की खून पसीने से तैयार की गई फसल को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि मंडी में जहां किसान लहसुन 5 रुपए से 15 रुपए प्रति किलो की कीमत में बेचने के लिए मजबूर है, वहीं प्याज के किसान भी 1 रुपए से लेकर 3 रुपए प्रति किलो पर प्याज बेचने को मजबूर है। किसानों को अपनी तैयार फसल के बदले में 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम मिल रहे हैं, यानी 1 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। अधिकतर किसान प्याज की फसल को 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक की कीमत में भी बेचने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि इस दाम में मुनाफा तो दूर, लागत भी नहीं निकल रही। प्रति बीघा खेत में 30,000 रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन इसे बेचने पर 20,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं। ऐसे में प्रति बीघा की फसल में 10,000 से 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ किसानों को महज लागत ही मिल पा रही है। वहीं मंदसौर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की बंपर आवक हो रही है। प्रतिदिन करीब 10,000 से 12,000 बोरी लहसुन की आवक देखने को मिल रही है, लेकिन अधिकतर किसान अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। हालांकि मंडी प्रबंधन दावा कर रहा है कि कृषि उपज मंडी में लहसुन की क्वालिटी के अनुसार 600 रुपए से लेकर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल तक दाम मिल रहे हैं, लेकिन देखने में ये आया है सामने कि अधिकतर किसान अपनी फसल को 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक बेचने के लिए मजबूर हैं। दामों में किसानों को मुनाफा तो दूर, लागत नहीं निकल पा रही। कई किसानों को तो मजदूरी और लहसुन को मंडी तक लाने का भाड़ा भी नहीं मिल रहा। ऐसे में किसान बेहद परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।